उनके अंदर के बच्चे को पहचाने। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो अपने माता पिता के पास भाग कर जाता है और उनके गले लग जाता है? मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसने अपनी माँ को काफ़ी समय बाद देखा है। आपको क्या लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? वो जरूर अपनी माँ को देखते ही गले लगाने की कोशिश करेगा। वैसे ही हम सबके अंदर भी एक ऐसा बच्चा है जो उन लोगों को करीब लाने की कोशिश करता है जो हमें सुरक्षित और खुश महसूस कराती है। अगर आप किसी व्यक्ति को वास्तव में प्रभावित करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि आप उनके अंदर के बच्चे को पहचानें और उसे खुश करें। अगर उनके अंदर का बालक मन आपसे खुश होता है तो वो व्यक्ति आपको अवश्य ही स्वीकार करेगा। लेखिका की एक दोस्त थी कार्ला, जिसका हाल ही में तलाक हुआ था। वे एक बड़ी कंपनी में काफ़ी सम्मानित पद पर काम कर रही थी। कार्ला का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक था। एक बार लेखिका और कार्ला अपने एक दोस्त की पार्टी में बातें कर रहे थे, तब लेखिका ने गौर किया कि पार्टी में मौजूद कई युवक कार्ला की ओर काफ़ी आकर्षित नज़र आ रहे थे। उनमें से कुछ लोगों ने कार्ला की ओर देखकर एक मुस्कुराहट भी दी, लेकिन वापसी में कार्ला ने उनकी ओर बस औपचारिक मुस्कुराहट दी। थोड़ी देर बाद एक छोटा बच्चा कार्ला को हेलो बोलने आया, तो उस छोटे बच्चे को देखते ही कार्ला बेहद खुश हो गई और उसने बहुत ही खुशी के साथ बच्चे को हेलो कहा। कार्ला जब उस बच्चे से बात कर रही थी तब वो बहुत मुस्कुरा रही थी और उस बच्चे के साथ काफ़ी अच्छा भी महसूस कर रही थी। लेखिका ने जब ये सब देखा तो उसने कार्ला से पूछा कि वो एक बार उनमें से किसी एक युवक के साथ भी ऐसे ही बात करने की कोशिश क्यों नहीं करती। इसके जवाब में कार्ला ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन लेखिका के बार बार गुजारिश करने पर वो ऐसा करने के लिए मान गई। और थोड़े ही समय बाद जब एक युवा कार्ला की ओर देखकर मुस्कुराया, तो इस बार कार्ला ने भी चमकती हुई मुस्कान के साथ हेलो कहा और उसे उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। वो युवक उन दोनों के साथ तुरंत बातें करने के लिए राजी हो गया और थोड़े समय बाद लेखिका ने उन दोनों से विदा ली। लेकिन एक दूसरों की बातों में इतना खो गए थे कि लेखिका के अनुपस्थिति का उन्हें आभास तक नहीं हुआ। इस घटना को देखकर लेखिका ने यह समझ लिया, यदि हम किसी व्यक्ति को प्रभावित करना चाहते हैं तो हमें हर व्यक्ति के अंदर के बच्चे को खुश करना होगा। हमारी अगली सलाह यही है कि यदि आप किसी बच्चे को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखें कि कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी बचपन में उन्हें खुश किया करती थी या जो उनके अंदर के बच्चे को पसंद आएगी। तो इसी के साथ समरी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले सीरीज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।